Please leave your message after the beep. तो हेलो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू, जो कि रहने वाली है इनोवा क्रिस्टा। 2.4 लीटर की ये गाड़ी रहने वाली है, 7 सीटर वाली गाड़ी है। कैप्टन सीट इसकी रेयर में मिल जाती हैं। गाड़ी की लुक कुछ ऐसी निकल के आती है। तो फ्रंट एंड में बात करें तो फ्रंट एंड में आपको टोयोटा की ये ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि ड्यूल फिनिश में फिनिश्ड है। साथ ही साथ इसमें सिल्वर टॉप है और नीचे ब्लैक है, और इसके बाद नंबर प्लेट लगी हुई है। नंबर प्लेट मैं दिखाना चाह सकता था लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। नंबर प्लेट बहुत ही फैंसी है इसकी। एंड बात करते हैं अब हेडलाइट्स में। तो हेडलाइट्स में आपको डुअल हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक लो बीम के लिए प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, हाई बीम के लिए हैलोजन एंड साथ में DRL। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो फॉग लाइट एंड इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में एक बहुत ही प्यारी क्रोम गार्निश जा रही है, जो कि कंपनी की तरफ से फिटेड है हेडलाइट के अंदर की तरफ, और बहुत ही फ्लोटी डिज़ाइन देती है ये इस इनोवा क्रिस्टा को। साथ में बात कर लें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम आते हैं टायर्स की तरफ। तो टायर्स इसमें आपको स्टॉक कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, अपोलो के एलनैक 4G टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो साइज़ रहने वाला है वो आप देख पा रहे होंगे, 16 इंचेस का साइज़ है। 205/65R16 का साइज़ के साथ ये वाली गाड़ी के अंदर टायर्स आते हैं। बात करें कस्टमर ने इस गाड़ी को एकदम स्टॉक ही रखा हुआ है, किलोमीटर रीडिंग्स वगैरह आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके साइड मिरर की। तो साइड मिरर आपको डुअल फिनिश में मिल जाता है, नीचे की तरफ ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट हो रखा है, ऊपर की तरफ बॉडी कलर है, और बीच में ORVMs देखने को मिल जाते हैं, जो कि फेंडर पर ना दे के अच्छी चीज़ है टोयोटा ने आपको साइड मिरर पे ही दिए। साथ में बात करें तो इसकी जो विंडोज़ हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। साथ में कस्टमर ने इसमें क्रोम गार्निश का ट्रीटमेंट टोयोटा की तरफ से ले रखा है विद रिक्वेस्ट सेंसर। चाबी की बात करें तो चाबी इसकी कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है, ग्लॉस ब्लैक और पीछे इनोवा लिखा हुआ है, और ब्लूइश टोन में फिनिश है। तो आप ऐसी चाबी कुछ देख सकते हो इसकी। नेक्स्ट आगे चलें तो डिक्की की तरफ चलते हैं। गाड़ी का जो बूट है वो बहुत ही मैसिव दिखता है, एंड ऊपर की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये शार्क फिन एंटीना, जो कि कंपनी से ही लगा हुआ आता है इस गाड़ी में। बात करें स्पॉइलर की तो स्पॉइलर भी बहुत अच्छा फिनिश दे रहा है, स्पोर्टी लुक दे रहा है पीछे से। वैसे तो ये एक MUV है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, क्योंकि ये 7 सीटर में आती है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस कार है। बट SUV वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, स्पोर्टीनेस भी दी है इस गाड़ी में। बात करें टेल लाइट्स की तो टेल लाइट कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है आपको, जिसमें आपको सारा ऑल हैलोजन सेटअप देखने को मिलता है, LED सेटअप नहीं है इसमें। 2.4V की बैजिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ बताएं तो इस तरफ को इनोवा क्रिस्टा और सेंटर में टोयोटा लिखा जाता है, बीच में नंबर प्लेट है, रेयर से प्रोफाइल दिखती है इस गाड़ी की। बात करें तो इसमें आपको बम्पर में नीचे की तरफ रेयर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं फ्लोटीनेस में। एंड साथ में इसमें आपको मिल जाते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो कि प्लेस करे हुए हैं यहाँ पर। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे से आपको टायर दिख रहा होगा, एंड साथ में एग्जॉस्ट पाइप विद 2 मड फ्लैप्स और एक टो हुक, जो कि आपको इस तरफ दिख रहा होगा। बात करें कि रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें आता है, जी हाँ इसमें आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि नंबर प्लेट के ऊपर हिडन है। बात करें इसमें बूट खोल के तो बूट में इलेक्ट्रॉनिक बटन देखने को मिलता है, बूट कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी में। अगर थर्ड रो की सीट्स उठी हुई होंगी तो कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। बात करें तो ये पीछे की तरफ 3 सीटर है। अब आप कह रहे होगे यहाँ तो 2 ही हेडरेस्ट हैं, तो तीसरा हेडरेस्ट कहाँ है? तीसरा हेडरेस्ट में इनोवा ने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करा है कार को। तीसरा हेडरेस्ट यहाँ आप रख सकते हो जब यूज़ नहीं हो रहा है, एंड जब यूज़ करना है तो आप ऐसे यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हो, तो ऐसे कुछ प्लेस हो जाता है और ये 3 हेडरेस्ट आ जाते हैं आपके पास। बात करें सीट प्रोफाइल की तो 50-50 स्प्लिट में सीट आपको देखने को मिल जाती है।
और बूट स्पेस की स्पेसिफिकेशंस अभी आपको अपने स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। अगर बूट स्पेस इतना ही है थर्ड रो ओपन होके तो ऐसा बूट स्पेस मिलता है, और जैसे अगर हम थर्ड रो फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस कितना मिलेगा आपको, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। बूट बंद करते हैं अभी हम। रेयर में आपको वाइपर, डीफॉगर और वॉशर तीनों चीज़ों का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर हाई स्टॉप ब्रेक लैंप मिलने देख जाता है, आप देख पा रहे होगे डीफॉगर इसमें मिलता है, रेयर वाइपर भी इसमें मिलता है। बात करें अब आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस में लेके जाते हैं। इतनी देर से हम बोल रहे हैं 2.4 इंजन कैसा दिखता है वो दिखाते हैं। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ 2.4 लीटर का इंजन आपको। यूजुअली तो मैं स्पेसिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे दिखा ही देता हूँ, बट अभी के लिए तो गाइज आपकी स्क्रीन पे इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस वैसे तो आ रही होंगी, बट मैं भी बता देता हूँ। इसमें आता है 2.4 लीटर का इंजन, टू बी एग्जैक्ट बताऊँ तो 2393 सीसी का इंजन, जो कि रहने वाला है एक 4 सिलेंडर यूनिट। और साथ ही साथ बात करूँ इसकी इंजन पावर की, तो ये प्रोड्यूस करता है 147.5 BHP, मतलब 148 हॉर्स पावर के करीब ये प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ इसका जो टॉर्क है इसकी बात करें तो 343 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 5-speed गेयरबॉक्स के साथ आता है ये मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ये गाड़ी भी अभी मैनुअल ट्रांसमिशन में ही है हमारे पास। गाड़ी का इंजन की लुक की बात करें तो कोई इंजन बहुत ही ह्यूज दिखता है इस गाड़ी के हिसाब से, और होना भी चाहिए। और प्लस ये टोयोटा इंजन है तो ये ड्यूरेबल भी इंजन रहने वाला है, तो कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जाने से पहले आपको बता दूं टोयोटा के इंजन वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए, एंड 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 किलोमीटर तक ये कहीं नहीं जाते अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। गाड़ी ओपन करते हैं तो ऐसे नॉर्मल लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, साथ में कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जाने से पहले बताएं तो गाड़ी की सीट्स अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, तो मैंने फुल पीछे कर दी है गाड़ी की सीट, एंड अब गाड़ी की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। बात करें आपको डोर पैड की, तो डोर पैड में सबसे पहले आपको ब्लैक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है विद एल्केंटारा का जो क्लॉथ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें तो वुडन फिनिश में आपका पावर विंडोज़ के स्विचेस फिनिश्ड हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। पावर विंडो आपको 4 देखने को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आपको विंडो कंट्रोल्स का भी ऑप्शन यहीं देखने को मिल जाता है। गाड़ी का डोर का थर्ड काफ़ी अच्छा है, एंड गाड़ी अभी के लिए हम ऑन कर लेते हैं। तो गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें की नहीं मिलती है, तो पुश स्टार्ट बटन से हमने गाड़ी ऑन करी, एंड सबसे पहले आपको इनोवा की ऐसे कुछ 3D आउटलुक दिखता है MID में। बात करें गाड़ी कितने किलोमीटर्स चल चुकी है, तो किलोमीटर्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, 1,28,699 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है, अराउंड 1,25,000 के करीब गाड़ी ये चल चुकी है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको GPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ है इसमें, CD प्लेयर है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें तो इसमें आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ में एक सिल्वर लाइन फिनिश जा रही है जो कि डैशबोर्ड के एंड तक जाती है, एंड साथ ही साथ जो वुडन ट्रिम है जो आपने अभी डोर पर देखा था, सेम वुडन ट्रिम आपको डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। साथ ही साथ एक जो डैशबोर्ड है इसका बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कर्वी शेप में बना हुआ है, एंड ऐसा फील नहीं होता कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, ऐसा लगता है आप एक जहाज उड़ा रहे हो। डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड भी बहुत प्यारी फिनिश में है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दे रखा है। साथ ही साथ ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, स्पीकर यूनिट आपको नीचे देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्सेस की बात करें तो इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं, एक ये रहा एंड एक ये रहा, विच इज़ अ लॉकेबल ग्लव बॉक्स। टोयोटा की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कोई भी प्राइवेट स्टाफ आपने रखता है एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स ज़रूर होता है उनकी हर गाड़ी में।
बात करें तो सेंटर कंसोल की, सेंटर कंसोल में सबसे पहले आपको यहाँ पर हेजार्ड लाइट देखने को मिल जाती है, साथ में एक क्लॉक देखने को मिल जाती है, एक फुल साइज़ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इसके नीचे आपको एयरबैग का बता देता है कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है, एंड इको मोड और पावर मोड की सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको दो ब्लैंक बटन्स देखने को मिल जाते हैं, आप कुछ भी लगवा सकते हो इनमें टोयोटा की तरफ से। नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, एंड कुछ ऐसा चार्जर डाल भी रखा है। ये ड्राइवर ड्रिवन गाड़ी ही रहने वाली है, एंड 1,28,000 चला चुके हैं वो ड्राइवर। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। सेंटर में की बात करें तो सेंटर का जो आर्मरेस्ट है वो आपका नॉर्मल मिलता है, इसमें आपको कोई भी एडजस्टेबल हैंडरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर आपको USB और AUX का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कभी होल्डर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप कॉइन्स रख स्टोर कर सकते हो। नीचे से खोलें तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। सिंगल कप होल्डर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आप कुछ सामान स्टोर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। साथ ही साथ डोर पैड में आपको बताएं तो डोर पैड में आपको सबसे पहले तो एक बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। बात करें तो कस्टमर ने यहाँ पर आपको फुटस्टेप नहीं लगवाया, तो वैसा आप देख सकते हो यहाँ पर टोयोटा का ग्लाइडिंग आ जाती है और जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। बात करें दरवाज़ा खोलते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग सेंसर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में फ्यूल टैंक ओपन करने का, साथ में फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए एक ये है और साथ में बोनट ओपन करने के लिए एक पुल है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है, तो स्पेस की सेविंग टोयोटा से बेटर और कोई नहीं जानता करना। साथ ही साथ बात करें तो साइड वाले AC वेंट्स में आपको एक सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि कैरी फॉरवर्ड होती है उस तरफ वाले AC वेंट पे भी, और स्टेयरिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेयरिंग में आपको वॉल्यूम कंट्रोल और म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से अपनी MID को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके बटन को दबा के आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हो। साथ में आपको स्पीडोमीटर में मिल जाता है सबसे पहले RPM मीटर जो कि है आपका 5000 रेड लाइन से लेके 6000 रेड लाइन तक। नीचे की तरफ आपको टेम्परेचर मीटर देखने को मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होगे। इस तरफ को देखो तो स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है जिसकी स्पीड लास्ट 200 किलोमीटर पर आर के हिसाब से है, एंड साथ में नीचे की तरफ आपको फ्यूल कैपेसिटी का मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होंगे। बात करें हाइट की तो आप लोगों को मेरी ऑलरेडी हाइट पता है, मेरी हाइट 6'4" है और 6'4" के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हेडरूम देखने को मिलता है। नी रूम की बात करें तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, अभी गाड़ी मैंने अपने सीटिंग के हिसाब से एडजस्ट करी रखी हुई है। साथ में आपको यहाँ पर एक वुडन फिनिश देखने को मिल जाता है टॉप पे, और नीचे की तरफ ऐसा कोई वुडन फिनिश नहीं है, सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। ब्लैक एंड सिल्वर का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करा गया टोयोटा की तरफ से। बात करें इसकी हाइट एडजस्टेबिलिटी की तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। अभी के लिए मैं इतना छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बेटर लग रहा है। बात करें तो सीट अपोल्स्ट्री की तो सीट अपोल्स्ट्री आपकी क्लॉथ में मिलने वाली है, कस्टमर ने इसमें कोई भी लेदर का इंस्टॉलमेंट नहीं कराया है। साथ में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों में आता है आजकल के ज़माने में, और क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो आपको लेदर में ही फिनिश मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक पे भी लेदर का ऑप्शन है और साथ में गियर बॉक्स पे भी लेदर का ऑप्शन दिया गया है। थोड़ा सा ये फट गया, कस्टमर को हमने बता दिया था चेंज हो सकता है, कस्टमर ने अभी चेंज नहीं कराने चाहते। तो चलो हम चलते हैं पीछे वाली सीट में, और पीछे वाली सीट में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर की तरफ सन वाइज़र में, इस तरफ को भी वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और साथ में टिकट्स होल्डर ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। IRVM की बात करें तो ये मैनुअल ही रहने वाला है, टोयोटा ने इसमें थोड़ी सी बजट फ्रेंडली करी है, बट हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक डिमिंग वाले ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि बलिनो में भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात करें इस तरफ को तो इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है साथ में लाइट्स के। तो बात करें टॉप की तरफ तो टॉप में आपको सबसे पहले मिल जाता है लाइट जो कि रहने वाली है ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट ऑल अराउंड जा रही है जो कि, साथ ही साथ बात करें इसमें लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि चार लाइट्स हैं, एंड आप यहाँ से लाइट्स कंट्रोल भी कर सकते हो। साथ में ये
एक और बटन दे रखा है, साथ में एक सनग्लास होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी लाइट्स बंद करते हैं, ये वाली सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। बात करें, अब चलते हैं हम अपने पीछे वाली रो में और पीछे वाली जाके दिखाते हैं कि कैसा आपको सिस्टम मिलता है। ये डोर पैड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, इसमें भी अल्कंटारा टच दिया हुआ है, साथ में एक वुडन फिनिश एंड साथ में एक सिल्वर फिनिश के साथ क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लगता है। कस्टमर ने यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो कोरोना वायरस आपको पता ही है, इस वजह से रखते हैं लोग। तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है एक लाइट जो कि रहने वाली है डोर लाइट, रात में देखने में आसानी रहे क्योंकि इसका जो लिप है वो काफ़ी ऊंचा है नॉर्मल गाड़ियों से, क्योंकि ये एक MUV रहने वाली है। बात करें यहाँ पर, तो आपको एक चाइल्ड लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अंदर की बात करें तो सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। ये रहने वाली है कैप्टन सीट्स, जो कि बहुत कम गाड़ियों में आते हैं और इस गाड़ी में है, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। बात करें आगे वाली सीट, आपको मैं दिखा चुका हूँ, अपने अपने साइज के हिसाब से एडजस्टेड है। एंड अंदर घुसते ही, अभी मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करी है, तो आप देख पा रहे होंगे स्पेस ठीक ठाक है। आपकी ये जो वुडन टेबल है ये नहीं खुलेगी। आप कह रहे होगे वुडन टेबल ये क्या जहाज है सही में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वुडन टेबल है जिसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। और यार ये क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको, ये आपका एक टेबल बन जाती है जहाँ पर आप अपना ग्लास होल्डर भी है आपका, आप यहाँ पर बैठ के कुछ खा सकते हो, टेबल पे आप सामान रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो, काम कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमर ने अपनी तरफ से यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर या टैबलेट होल्डर भी लगा रखा है। साथ ही साथ बात करूँ तो ये जो चीज़ है ये ऐसे बंद हो जाती है, वुडन टच दे रखा है, बहुत ही प्यारा। और फ्रंट, यहाँ से फ्रंट का व्यू कुछ ऐसा निकलता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बैठे हुए हो आप लोग, बट आपको हाइट फील नहीं होगी क्योंकि आप अगर रेयर सीट्स में देखो कितना हेडरूम है, काफ़ी हेडरूम है। अगर मैं ये पकड़ना चाहता हूँ तो ये भी आसानी से पकड़ सकता हूँ, एंड अगर मैं रिक्लाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं सो भी सकता हूँ। अगर मेरा ड्राइवर आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है तो मैं यहाँ पर सो भी सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ बात कर ले, साथ में बात कर ले तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको रेयर में पार्किंग सीट्स भी देखने को मिल जाती है, रेयर में आपको सीट बेल्ट्स भी देखने का ऑप्शन मिल जाती है जो आपको बहुत सारी गाड़ियों में नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। बाकी बात करें तो यहाँ पर एक कॉर्नर में एक लाइट भी दे रखी है ब्लू कलर की, जो कि बहुत ही अच्छा एम्बियंस बनाती है इस गाड़ी के अंदर। और पीछे की सीट्स की बात करूँ तो पीछे तो मैं जा नहीं पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड स्पेस है। बच्चों के लिए पीछे वाली सीट्स रिकमेंडेड है, बड़े जो लोग हैं वो आगे ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है। बात करें पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ भी आपको रेयर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। पीछे की तरफ भी आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं ऑन ईच साइड, जैसा कि आप देख पा रहे होगे वहाँ पर, तो ये कप होल्डर्स का ऑप्शन है वहाँ पर, तो ये कप होल्डर्स देख रहे हो आप, ये कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, तो ये है। बाकी कुछ ऐसा व्यू आता है पूरा का पूरा अंदर से बाहर का। एंड या तो चलो अब हम आपको मिलते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर बताते हैं आपको और भी चीज़ें कि क्या 0-60 है, क्या है सब कुछ, सब कुछ बताएंगे आपको। सस्पेंशन के भी बताएंगे कि आज सस्पेंशन में आवाज़ आ रही है इतना चलने के बाद भी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इस बार आपको डिफरेंट टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। तो चलो जय श्री राम बोल के चलते हैं और गाड़ी का रिव्यू लेते हैं, साथ ही साथ टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी एक बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आज ये गाड़ी डिलीवर होने वाली है। बात करें ब्रेक्स की तो ब्रेक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड सस्पेंशन का नॉइस अभी आपको पता लग ही जाएगा। सस्पेंशन में ऐसा कोई नॉइस नहीं है, सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है एज अ MUV, एक तरीके से एक कैरावान की तरह आप इसे इस गाड़ी को ट्रीट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस देती है ये गाड़ी। बात करें इसको पब्लिक रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे आते हैं, चाहे ये गाड़ी पुरानी है बट पब्लिक रिएक्शन लोग बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि एक तरीके से तो ये जहाज ही है। बात करें एक और जहाज सामने से आता हुआ, एक फॉर्चुनर ब्लैक कलर की, तो अगर आपको फॉर्चुनर का भी रिव्यू चाहिएगा वो बता देना, गाड़ी हमारे घर पे ही है तो हम कभी देंगे। इसका जो आपको हॉर्न है, हॉर्न बहुत ही लाइट देखने को मिलता है बट काफ़ी है इस गाड़ी के हिसाब से, काफ़ी लाउड होएगा ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो लाइट ही सुनाई देता है। कैबिन नॉइज़ की बात करें तो कैबिन में ज़्यादा नॉइज़ नहीं है और काफ़ी अच्छा
आपको व्यू देती है ये गाड़ी सड़क चलते हुए। बात करें पिकअप का, तो पिकअप भी काफी अच्छा है इस गाड़ी में। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दिस व्हीकल, पिकअप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टोयोटा है, तो भाई टोयोटा का तो क्या ही कहना है। साथ में बात करें तो अभी हम आपको 2260 का आपको रोड टेस्ट दिखाएंगे इसमें, कि क्या आता है 2260 इसमें स्पेसिफिकली गाड़ी में। पहले इस गाड़ी को 20 पे लाना पड़ेगा मुझे, सेकेंड गियर। नाउ इट्स इन सेकेंड गियर 20, इन 3, 2, 1 को। अनफॉर्चुनेटली सामने एक बाइक वाला आ गया, तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ से आगे से यूटर्न आपको लेके दिखा दूँ कि इसका टर्निंग रेडियस कितना आएगा। तो एक परफेक्ट लोकेशन देखते हैं जहाँ पर हम टर्न ले पाएंगे इस गाड़ी के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से यहाँ से दो बार में कटेगी ये गाड़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये। तो ट्राई करते हैं कितना अच्छा यूटर्न लगता है हमारे। तो अगर इसने टाइट क्रैम्प में भी आपको इतना अच्छा यूटर्न दे सकती है ये, तो आप देख पा रहे होगे कि क्या इसमें निकलता है। तो अब मैं अपनी वाली जो स्ट्रीट है, जिस जगह पे मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे टियागो हो गई और ये स्विफ्ट हो गई, ये सारी गाड़ियाँ मैंने जिस गाड़ी जगह पे टेस्ट ड्राइव ली थी 0 to 60 की, तो वहाँ लेके जाता हूँ। 0 to 60 करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि इसका RPM मैक्स कितना जाता है, कितना मुझे लगता है कि कम्फर्टेबल है ले जाना। तो बात करें RPM की, हैंड ब्रेक खींच दी गई है, RPM इसका जाता है अराउंड 3500 से 3800 तक इसका RPM जाता है। बात करें ये वाली रोड हमारे को क्लियर दिख रही है। अब यहाँ से हम 3-2-1 करके 0 to 60 का करने जा रहे हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे 0 to 60 का जो हमारा रिजल्ट निकलता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगता है जब आप ये सब चीज़ें करते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलो ये बाइक निकल जाए और उसके बाद हम 0 to 60 करते हैं। तो काफ़ी बड़े ORVM देखने मिल जाते हैं। 3, 2, 1 को। हल्का सा टायर स्किड देखने को मिलता है हमारे को, एंड वी आर ऑन 60। तो 0 to 60 का टाइम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। टायर स्पिन हमारे को, व्हील स्पिन हमारे को देखने को मिला था इस गाड़ी में। साथ ही साथ बताऊँ तो 0 to 60 में मेरे ख्याल से तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। क्या कहते सैफी, तुझे लगा कुछ ऐसा, मतलब जैसे डिसबैलेंस हो गई हो गाड़ी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, लगा? नहीं लगा भाई, भाई को भी नहीं लगा। हमारे कैमरा मैन आज सैफी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी को इतनी तेज़ और इतनी जल्दी ये स्पीड कैच करने में। यूजुअली इतनी बड़ी गाड़ियाँ इतनी जल्दी स्पीड नहीं कैच कर पाती, बट टोयोटा की इंजीनियरिंग ही ऐसी है। और ये देख पा रहे होगे आप, सिंगल वे में हमने टर्न ले लिया है, और मतलब एक ही बार में टर्न हो जाता है आसानी से, ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी भी गाड़ी में हो जाता है। हाँ, बट कुछ गाड़ियाँ जैसे एक जिप्सी होया करती थी मेरे पास, उसका सिंगल, उसमें कभी भी टर्न नहीं होता था। तो कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें सिंगल बारी में आपको टर्न लेने में दिक्कत होती है, बट इस गाड़ी में आपको टर्न लेने में दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी की बात करें, गाड़ी की जो प्राइसिंग है अराउंड 20 लाख से गाड़ी शुरू हो जाती है, 24 लाख ऑन रोड पड़ती है मेरे ख्याल से। एंड सेकेंड हैंड प्राइजेस की बात करूँ तो आई थिंक आपको ये गाड़ी मिल जानी चाहिए, आई थिंक 15 लाख के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए ये वाली गाड़ी, इनोवा क्रिस्टा। एंड इट्स अ डीजल वेरिएंट, तो दिल्ली NCR में कोशिश करना 5 साल पुरानी ही लो, उससे ज़्यादा पुरानी मत लेना, गलती से भी फंस जाओगे रिफंड में। और अगर कहीं बाहर हो आप, किसी और स्टेट में रहते हो, आप वहाँ ख़रीदने वाले हो, तो आप ख़रीद सकते हो। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा लुक देती है गाड़ी। तो वापस आ गए हम अपने वर्कशॉप में ऑटो विशाल, और आई होप जो मैंने आपको कहा पहले वो अच्छा लगा हो आपको सुन के। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और चलो फिनिश करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर आपको निसान सनी का भी रिव्यू चाहिए तो बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको निसान सनी का भी रिव्यू दूं। I miss you.